दोस्तों पठान को अफगान कहते हैं। अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और उनको जिन्नात की जुबान से प्यार हो गया था, तो उन्होंने अपने वालिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को कहिए कि मुझे अपनी जुबान सिखाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरख्वास्त कबूल की और जिन्नात को हुक्म दिया कि अफगान को जिन्नात की जुबान सिखाई जाए। वो जुबान बाद में पख्तून के नाम से पहचानी गई। पठान की असलियत और कौमियत के बारे में जो दलायल है वो ये कि पठान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है और कौमियत से बनी इसराइल है। अंग्रेज मुअर्रिखीन लिखते हैं कि पठान कौम अर्जीनिया के एक हिस्से में रहते थे और अर्जीनिया के लोगों का दावा है कि अफगान कौम या पठान हम में से है, क्योंकि अल्बानिया के अफगान जो कि बाद में अफगान बने अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इसराइल कबाइल बहुत तकालीफ और मुसीबतों के बाद अफगानिस्तान में आबाद हो गए। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे तो उस वक्त पठान कौम का सरदार जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था अपने पूरे खानदान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में हाजिर हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। इसलिए दुनिया भर में जहाँ भी पख्तून होंगे वो मुसलमान होंगे। दुनिया में पख्तून ही वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर पख्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब होगा कि मैं 5000 साल से पख्तून हूँ और 1400 साल पहले मुसलमान हूँ। दोस्तों अब सवाल ये है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो जब काफिरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो को हुक्म दिया कि जाओ अपने अफगानियों को जिहाद के लिए बुलाओ। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इरसाल किया। कैस अब्दुल रशीद की क्यादत में लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। शाम को सहाबा कराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफगानी लश्कर ने आते ही काफिरों का कत्लेआम शुरू कर दिया और तमाम काफिरों का खात्मा कर दिया और मक्का मुकरमा को अफगानियों ने फतह कर लिया। तो उसी लम्हे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर ये अल्फाज आए, बतान। ख्वातीनों हजरात, बतान लफ्ज अरबी जुबान का लफ्ज है, यानी सख्त तरीन लकड़ी जो समुद्री जहाजों में लगाई जाती है जिसे समुद्री पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। ये लफ्ज जब बड़े सगीर पहुंचा तो बतान से पठान हो गया। और अगर इनकी तारीख का तकाबली जायजा लिया जाए तो फारसी में पश्तून, मुकामी जुबान में पख्तून और उर्दू में पठान। ये कौम दुनिया भर में फैली हुई एक गैरतमंद कौम के तौर पर गर्दानी जाती है जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर है। दुनिया में पश्तून अपनी वफा और गैरत के नाम से जाने जाते हैं। लफ्ज पश्तून का मतलब होता है गैरत और वफा वाला और अपनी इज्जत और दीन पर मर मिटने वाला। पश्तूनों ने क़याम पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक पठान आर्याई या यूनानी नस्ल से है और बाज के नजदीक ये कैस अब्दुल रशीद की औलाद है, जबकि तीसरे नजरिए के मुताबिक इनका ताल्लुक बनी इसराइल के गुमगश्ता कबाइल से है। खुद कैस अब्दुल रशीद की औलाद समझने वालों का नजरिया है कि मक्का में कयाम के दौरान हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी साहिबजादी उनके मुअर्रिसे आला के निकाह में दे दी थी, जिन्हें वो हमरा लेकर अपने वतन वापस आया और फिर उन्होंने यहाँ अपनी बकिया जिंदगी इस्लाम की तरवीजो इशात में सर्फ कर दी। इसी तरह कैस अब्दुल रशीद की औलाद पठान कहलाती है, जबकि ये भी कहा जाता है कि खुद कैस अब्दुल रशीद का ताल्लुक भी बनी इसराइल के बादशाह साउल यानी हजरत तालूत के 37वें पुश्त से था। इस तरह आखिरी दोनों नजरियात की रोशनी में इनका ताल्लुक बनी इसराइल से ही बनता है। नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ी अजूबा खेज बात यह है कि इनमें यूसुफ ज़ई, यूसुफ के बेटे, दाऊद खेल, दाऊद के बेटे, मूसा खेल, मूसा के बेटे और सुलेमान खेल, सुलेमान के बेटे समझे जाते हैं, लेकिन इसकी तस्दीक करना बहुत मुश्किल है। अफगानों या पठानों के कई औसाफ अरबों से मिलते जुलते हैं। अरब कौम मेहमान नवाज, बहादुर और अहले कलम होने के साथ साथ दूसरी कौमों से इतनी जल्दी मरूब नहीं होती थी। इन चंद औसाफ के अलावा कोई और वस अरबों के अंदर जमाना जहलियत में नजर नहीं आता। हैरत की बात यह है कि यही चंद औसाफ अफगान या पठान कौम में भी इसी शिद्दत के साथ पाए जाते हैं, जबकि इनकी बेशतर चीजें यहूदियों से भी मिलती जुलती हैं। नस्ली तौर पर दोनों अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम तसव्वुर करते हैं। मजहबी तौर पर सख्त हैं और सर पर टोपी रखने का रुझान भी आम है, जबकि इसके अलावा भी कई रस्म व रवाज मुश्तरक है। जहन में रहे
کہ پشتونوں کا یہودی النسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ معجب توہین، کیونکہ یہودی النسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا معجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی النسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔